हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम देखते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस। जिसको अभी हमने पढ़ा, अलग अलग एस्केप सीक्वेंस हमने देखे, जिनको मैंने आपको स्पेशल कैरेक्टर्स बताया था, जो अभी हमने थ्योरेटिकल क्लास में देखा है, स्लैश एन, स्लैश टी, ठीक है, स्लैश सिंगल कोट। तो चलिए एक बार इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं अलग अलग एस्केप सीक्वेंस के। तो यहां पर आई एम जस्ट क्रिएट ए न्यू फाइल ESC के नाम से, ठीक है, .cpp, ओके, दिस इज एस्केप सीक्वेंस फाइल। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, IO stream, ओके, एंड देन इंटीजर मेन, ओके, और यहां पर हम सबसे पहले सिस्टम CLS को यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, टू क्लियर द स्क्रीन इन C++ वी यूज सिस्टम CLS, ठीक, और दो तरीके बताए थे। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर हमने क्लियर स्क्रीन की बात की थी कि VS कोड में हम किस तरीके से स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर सपोज मैंने लिखा है सी आउट, ओके, और सी आउट में अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, सपोज दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ CPP, ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ CPP, ये हमने स्टेटमेंट लिखा है, एंड हियर वी नीड टू राइट यूजिंग नेम स्पेस CD, ठीक है, फॉर दिस सी आउट सीन। तो यदि मैं अभी दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखता हूं, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ C++, ठीक है, एंड यहां पर हमने लिख दिया डेटा फ्लेयर CPP कोर्स, ठीक है, एंड व्हेन आई रन दिस एप्लीकेशन, आप देखिए मुझे आउटपुट दोनों एक ही लाइन पे मिल रहे हैं, ये देखिए आप कंटिन्यूशन में, क्योंकि यही मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब तक हम इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट द आउटपुट इन नेक्स्ट लाइन। यदि आप चाहते हैं कि आपको डेटा फ्लेयर CPP कोर्स को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, सो हियर वी हैव टू यूज सम एस्केप सीक्वेंस, स्पेशल कैरेक्टर, राइट, और वो स्पेशल कैरेक्टर अभी हमने देखा था स्लैश एन, कि यदि मान लो मैं यहां स्लैश एन को यूज करता हूं, सो दैट आई विल गेट द डेटा इन नेक्स्ट लाइन। ये देखिए आप, ये दो अलग अलग लाइन पे आउटपुट आ रहा है, दिस इज प्रोग्राम ऑफ CPP डेटा फ्लेयर CPP कोर्स। तो जब भी हमें ये लगता है कि, अब देखिए, अगर मुझे पता है कि स्लैश एन से डेटा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होता है, then why should I write two different cout statement? यहाँ पर मैंने सिंपल ये लिख दिया, this is course of CPP, ठीक है, and data flare CPP course. तो अब अगर हम इसको रन करते हैं, so now I'll get the result, data flare, this is course of CPP first line, data flare CPP course second line. तो slash n का मीनिंग आई होप, और याद है मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप backslash की जगह front slash n यूज कर लेंगे तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, आपको वो slash n as it is मिल जाएगा, ये देखिए आप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको आउटपुट बैकएंड बैकस्लैश एन के साथ यूज करना है, क्योंकि जितने भी स्केप सीक्वेंस हैं वो सब बैकस्लैश एन के साथ यूज होते हैं। और यहां से आप एक प्रैक्टिस और रखिए कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाए, ऊपर सबसे पहले उस प्रोग्राम में कमेंट डाल दीजिए, ठीक है, कि यहां पर जैसे हम बात कर रहे हैं स्केप सीक्वेंस की, ठीक है, ताकि क्या होगा, कभी भी आप प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोड आपने क्यों लिखा था, क्योंकि अभी तो ठीक है ये 2-4-5 प्रोग्राम है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एट द एंड नियर अबाउट 300-400 प्रोग्राम का कलेक्शन होगा आपके पास, तो कभी भी कोई प्रोग्राम आप ओपन करेंगे तो आपको ऊपर हेडिंग से समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ प्रोग्राम फॉर एस्केप सीक्वेंस। और ये कमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि C++ में दो तरीके से हम कमेंट को यूज करते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, बट फिलहाल अभी हम सिंगल लाइन कमेंट को यूज कर रहे हैं, ओके। तो स्लैश एन का यूज अभी हमने देखा कि जब भी आपको डेटा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, सो दैट वी विल गो फॉर स्लैश एन। लेकिन आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि मान लो मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूं जहां पर मुझे हेडिंग्स देना है स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो हमने लिख दिया रोल नंबर, देन नेम, देन परसेंटेज, या रोल नंबर, नेम, परसेंटेज और कोर्स, ओके, तो ये आउटपुट अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मोमेंट, सेमीकोलन, ये देखिए आप, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, अगर ये आपकी हेडिंग्स हैं, तो आप चाहते हैं इनके बीच में स्पेस, तो या तो आप ये करें कि रोल नंबर के बाद स्पेस, फिर नेम के बाद परसेंटेज में स्पेस, फिर कोर्स के बाद, तो यदि ये अभी कुछ लाइन है तब तक तो ठीक है, लेकिन No doubt now you will get such type of values, लेकिन बजाय इसके आप यहाँ पे इनको साथ में लिखें, ठीक है, क्योंकि यदि अभी तो ठीक है चार headings हैं, लेकिन अगर headings ज़्यादा हुई तो आपकी statement काफी बड़ी हो जाएगी, so better you should go for slash t, slash t का मतलब मैंने आपको बताया था, it is for tab,
स्पेस के लिए। तो आप देखिए, अगर मैं स्लैश टी को यूज करता हूं एंड व्हेन आई रन दिस रोल नंबर नेम परसेंटेज, तो यहां पर अब मुझे स्पेस मिल रहा है स्लैश टी से, ठीक है। विद द यूज ऑफ स्लैश टी वी कैन यूज स्पेस, कि जब भी आपको स्पेस चाहिए सो दैट वी विल गो फॉर स्लैश टी कॉन्सेप्ट। स्लैश टी के साथ देखिए आप रोल नंबर नेम परसेंटेज कोर्स, तो ये बीच में जो स्पेस, अगर आपको स्पेस चाहिए देन विल गो फॉर स्लैश टी। तो स्लैश एन इज फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी इज फॉर टैब। ये दो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखे। तीसरा हमने देखा, थर्ड कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि यदि मान लो आपको डबल कोट्स में, जैसे मैंने मेरा आपने नाम लिखा था, सपोज मैंने मेरा नाम लिखा विवेक, लेकिन मुझे विवेक के साथ डबल कोट चाहिए, राइट। तो अभी मैं अगर कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करता हूं, सो यू नो वेरी वेल कि आउटपुट में डबल कोट नहीं आते, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेशन है कि आपको डेटा को डबल कोट्स में देना है, बिकॉज सी आउट इज ओनली अंडरस्टैंड द डेटा विच राइट इन डबल कोट्स, जिसको वो एज इट इज प्रिंट करता है। लेकिन अगर आप आउटपुट में डबल कोट चाहते हैं, और अगर आपने ऐसा लिख दिया डबल कोट्स एंड देन डबल कोट्स, ओके सी दिस वन, ये एरर दिख रही है आपको। तो यदि हम चाहते हैं कि आउटपुट में मुझे डबल कोट्स चाहिए, सो हियर वी नीड टू राइट स्लैश डबल कोट्स, ठीक है, स्लैश डबल कोट्स विवेक स्लैश डबल कोट्स। तो अब अगर आप स्लैश डबल कोट्स के साथ डेटा प्रिंट करेंगे, सो दैट यू विल गेट डबल कोट्स इन योर आउटपुट स्क्रीन। ये विवेक में डबल कोट्स आ रहे हैं, राइट। तो ये कैरेक्टर कौन सा है, स्केप सीक्वेंस स्लैश डबल कोट जो हमने देखा था। सिमिलरली यदि मैं स्लैश सिंगल कोट को यूज करता हूं, स्लैश सिंगल कोट, राइट। सो नाउ विल गेट द सिंगल कोट इन आउटपुट स्क्रीन, ये देखिए विवेक सिंगल कोट में। सो इन दिस वे वी कैन यूज डिफरेंट स्केप सीक्वेंस इन C++, जो भी हमने बात की स्लैश एन स्लैश टी, ठीक है, इसके अलावा स्लैश डबल कोट स्लैश सिंगल कोट, ओके। और अब यहां पर एक मैंने आपको बताया था स्लैश बी, तो आप देखिए यदि मान लो मैंने लिखा विवेक, और इस विवेक के पहले सपोज देर आर स्पेसेस, ठीक है, तो यदि मैं इसको भी रन करता हूं, इफ आई रन दिस कोड, सो नो डाउट आई विल गेट एन स्पेसेस, मुझे स्पेसेस भी मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए आप स्पेस के साथ, ये देखिए स्पेस, और उसके बाद मुझे विवेक मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यू वॉन्ट अवॉइड दिस स्पेस, तो जस्ट गो फॉर स्लैश बी, ठीक है। तो व्हेन आई रन दिस, ओके स्लैश आर इज देयर फॉर दैट, बैक स्पेस के लिए हमने बात की थी, यस स्लैश आर, कि यदि मान लो आपके पास प्रीवियसली कोई स्पेस है, कैरियज रिटर्न बोलते हैं इसको, और अगर आपको उसको रिमूव करना है, सो वी विल गो फॉर स्लैश आर फॉर रिमूविंग द प्रीवियस स्पेसेस, ठीक है। कि मान लो अगर आपको दो डेटा है, उसके पीछे प्रीवियसली कोई स्पेस है, एंड यू वांट टू रिमूव दिस, वी विल गो फॉर स्लैश आर। एक मैंने आपको बताया था स्लैश ए, है ना, फॉर अलर्ट स्लैश ए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था स्लैश ए इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम वेदर इट इज सपोर्टेबल नॉट, नॉट जैसे मैंने लिख दिया स्लैश ए मल्टीपल टाइम स्लैश ए स्लैश ए स्लैश ए, ठीक है, सी दिस वन, बट आई डोंट गेट एनी वॉइस हियर, राइट, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिस मे बी वर्क और मे नॉट बी, बट इट्स अ अलर्ट कैरेक्टर, बेल कैरेक्टर, राइट। कि अगर आपको बेल अलार्म चाहिए देन वी विल गो फॉर स्लैश ए, यू कैन ट्राई इन योर सिस्टम, एक बार रन करके देखिए आप इसको, ओके। लेकिन फिर मैंने आपको ये बताया था कि यदि मान लो मुझे ये सारे कैरेक्टर एज इट इज प्रिंट करना है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन, तो मैंने ये तो लिख दिया न्यू लाइन कैरेक्टर इज कौन सा होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन, तो आउटपुट में आपको न्यू लाइन कैरेक्टर तो मिलेगा लेकिन स्लैश एन नहीं मिलेगा बच्चे, ये देख न्यू लाइन कैरेक्टर इज स्लैश एन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर है, वो स्केप सीक्वेंस है, और जिसका एक मीनिंग है दैट्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट। तो यदि आपको इसको एज इट इज प्रिंट करना है किसी भी स्केप सीक्वेंस को, जैसे मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर लिखा है, नेक्स्ट लाइन पे मुझे टैब कैरेक्टर प्रिंट करना है कि टैब कैरेक्टर कौन सा होता है, मैं एक एप्लीकेशन बना के आपको बताना चाहता हूं, फिर मुझे बाकी के कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो हियर यू हैव टू राइट स्लैश स्लैश एन स्लैश स्लैश टी, ठीक है। और यदि मैंने इसके आगे स्लैश एन लिख दिया, तो नाउ यू विल गेट द डेटा इन नेक्स्ट लाइन, सी दिस वन, ये देखिए न्यू लाइन कैरेक्टर इज स्लैश एन, टैब कैरेक्टर इज स्लैश टी। तो स्लैश एन और स्लैश टी जो स्पेशल कैरेक्टर है, अगर हमको एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं, देन जस्ट यू स्लैश बिफोर दिस कैरेक्टर, सो दिस स्लैश विल कन्वर्ट दिस स्लैश एन इनटू अ नॉर्मल कैरेक्टर, इट्स अ बैक स्लैश ओनली।
सो दिस इज हाउ टू यूज एस्केप सीक्वेंस इन C++ कि आप किस तरीके से एस्केप सीक्वेंस को यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो यदि मान लो मैं, हालांकि नो डाउट ये प्रोग्राम इस तरीके से बनाना सही नहीं है, इसको आगे हम लूप से पढ़ेंगे, लेकिन आप देखिए अगर मैं कोई पिरामिड प्रिंट करता हूँ /n 2 star /n 3 star /n इनिशियल लेवल पे अगर हम अभी बात कर रहे हैं /n 5 star ओके एंड देन आई रन दिस आई गेट आउटपुट समथिंग लाइक दिस *2*3*4*। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से इन एस्केप सीक्वेंस को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत यूज में आने वाला है कि जब आगे C++ में हम कोड लिखेंगे और हमें रिजल्ट्स की फॉर्मेटिंग करना होगी, मुझे रिजल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करना होंगे, वहां पर हम यूज करेंगे इन एस्केप सीक्वेंस को। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, और यदि समझ पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।